दोस्तों, स्वागत है देवरानी जेठानी किचन में। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन का चोखा। आपको कभी सब्जी खाने का मन न हो तो इस तरह से सोयाबीन का चोखा बना सकते हैं। इससे आपका भूख दुगुना बढ़ जाएगा और एक रोटी की जगह आप दो तीन रोटी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बना रही है छोटी? आज हम बनाएंगे सोयाबीन के चोखा। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप सोयाबीन को भिना कर रख लिया है। अच्छे तरीके से फूल चुका है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर दो बारी हमने प्याज काट रखे हैं और चार से पांच हरी मिर्च काट लिए है और छः से सात लहसुन का कलिया भी है, उसे काट लिए है बारीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैस के पास, सोयाबीन के भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दिए थे तो गर्म हो चुका है। तो इसी में दो बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, सोयाबीन के फ्राई करना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो सोयाबीन के डाल देती हूँ और अच्छे से इसे भून लूँगी लाइट ब्राउन डालने तक। तो इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो जल जाएगा, ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कांचा ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम गैस के फ्लेम लो कर दी है और इसे बीच बीच में चलाते हुए हम भून लेंगे पाँच मिनट तक। तो यहाँ पर हमारा लाइट ब्राउन सोयाबीन भुना चुका है, देख सकते हैं पाँच मिनट में। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और एक मिक्सर जार में दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर हमने सोयाबीन के दरदरा सा पीस लिए हैं। तो चलते हैं बाकी का जो सामग्री लिए थे उसे भी बना लेने। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसी में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं एक चम्मच के अनुसार। तो यहाँ पर हमने प्याज को बारीक काट लिए हैं। तो उसे आप चाहे तो सोयाबीन के साथ भी ऐसे बना सकते हैं बिना भूंजे हुए, लेकिन हम भूंज लेंगे। भूंजने से क्या होता है, कच्चापन दूर चले जाएगा और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम भूंज रहे हैं। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसी में हरी मिर्च डाल रही हूँ। पाँच से छः कलिया लहसुन का है वो भी डाल देती हूँ और थोड़ा देर से जलने देंगे। तो यहाँ पर हमारा मिर्चा और लहसुन का कलिया भी अच्छे से जल चुका है। तो इसी में हम प्याज डालकर लाइट ब्राउन डालने तक भूंज लेंगे दो से तीन मिनट। तो यहाँ पर हमारा प्याज लाइट ब्राउन भुना चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसी में जो है सोयाबीन के दरदरा सा पीस कर लिए थे वो डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ यहीं पर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। चोखा बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसे एक प्लेट में निकाल कर आप लोगों के दिखाती हूँ। तो लीजिए, यहाँ सोयाबीन का चोखा गर्मा गर्म बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। आपके कभी मन न करे सब्जी बनाने के तो इस तरीके से चोखा बना सकते हैं और खा भी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो मेरा चोखा बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।